वेलकम बैक। कैसी हैं आप सब? मुझे यकीन है सब ठीक होंगे। मैं हूँ चिलीज किचन से और आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत मजे की रेसिपी। मैं अपने लिए बनाऊंगी, आप लोग अपने लिए बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। मैं बनाऊंगी यहाँ पे पैटी बर्गर। बहुत मजे के सॉस रेडी करेंगे और बर्गर सॉस के साथ रेडी करेंगे, बहुत मजा आएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करती है अपनी प्रॉपर रेसिपी। बस तो देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत मज़ेदार पैटी बर्गर बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे ऑयल है, ये मेरे पास हेलोपिनोज हैं, मेरे पास 2 eggs हैं, वाइट पेपर है, गार्लिक पाउडर है, सॉल्ट है, रेड चिली है, मेरे पास लेमन जूस है, मेरे पास चिकन है, यहाँ पर मैंने सैलड की चीज़ें ली हैं, बर्गर बंस हैं मेरे पास, ब्रेड स्लाइसिस हैं, और ये मेरे पास 2 red chilies हैं, 2-3 cloves मेरे पास ये हैं, गार्लिक के जिंजर है, और ये थोड़ा सा प्याज है। इसको हम शामिल करेंगे चिकन पैटी बनाने के लिए। तो चलें चिकन पैटी बनाने के लिए चिकन को हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चॉपर में डाल देते हैं। शामिल करेंगे इसमें हम जिंजर गार्लिक डालेंगे, चलें इसमें हम डालेंगे रेड चिली 1 tablespoon, सॉल्ट 1/2 tablespoon, मैं इसमें शामिल करूंगी 1 egg, 1 egg शामिल करेंगे। चलिए मैं इसमें शामिल करूंगी 2 bread के slices, बहुत मज़ेदार बर्गर की पैटी बनाएंगे हम। इसको करने इसका मैं बहुत अच्छा सा मीन्स बनाऊंगी, बहुत अच्छा सा इसको इसकी पेस्ट बनाएंगे और फिर इसको मैं बॉल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। बस ये हमारा पैटी बर्गर के लिए बहुत अच्छा सा कीमा मैंने बना लिया। ये देखें कितना अच्छा सा बना है, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ सा। चले अब हम मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 slices, इसको मैं डालूँगी मिक्सी में और इसके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। मेरे पास थे लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ। ये देखें इसमें डालेंगे, इसको बंद करेंगे और हम इसके बनाएंगे क्रम्स। देखिए व्यूअर्स, मैंने बना लिया यहाँ पे क्रम्स। देखें कितने अच्छे से बन गए। मेरे पास तो थे लेकिन मैंने इसलिए बनाए हैं कि जिनके पास नहीं है वो देख सकें कि ब्रेड से हम बहुत अच्छे कम क्रम्स बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ऑयल ब्रश कर लेते हैं अपने तवे पर। मैंने तो तवा लिया है। पहले हम यहाँ पर अपने बंस को सेक लेंगे। आप बटर में करना चाहें तो बटर में कर लें, लेकिन मैं इस वक्त ऑयल में कर रही हूँ। ये देखें ये हमारे बहुत अच्छे से बन होंगे रोस्ट। इनको हम उतारेंगे, सैलड हमारा रेडी है। तो चलें यहाँ पर मैं बनाती हूँ अच्छे से कबाब। हम यहाँ पे कबाब बना लेते हैं पैटी कबाब बनाने के लिए। देखें मैं यहाँ पर अच्छी सी पैटी बनाएंगे, थोड़ी सी थिक सी, ताकि हमारे बर्गर बहुत अच्छे से बन के रेडी हों। देखें आप इसकी थिकनेस देखें, ऐसे बन बनाए, ऐसे बर्गर्स बनाएंगे हम। चलो तो चलिए व्यूअर्स, देख लेते हैं अपने बर्गर बंस। ये देखें अच्छे से रोस्ट हो गए एक तरफ से, बस इतना ही करेंगे और इसको हल्का सा रोस्ट हम इस तरफ से भी कर लेंगे। और ये देखें ये पैटी मैंने रेडी कर ली है। चलो बर्गर्स बन को उतार लेते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम बना लेते हैं अपनी पैटी को, रेडी कर लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे ले लिया एग, एग को अच्छे से फेंट लेंगे, ऑयल डालेंगे, अच्छे
लेंगे हम। चलिए ये देखिए अच्छे से हो गया। हम यहाँ पे लेंगे अपनी पैटी को, अंडे में डिप करेंगे, क्रम्स लगाएंगे, अच्छे से कोट करेंगे क्रम में और हम इसको करेंगे फ्राई। मेरे पास इस वक्त चार बर्गर मैंने रेडी करने हैं, तो मैं इस वक्त चार पैटी ही यूज करूँगी। यहाँ पे देख लेते हैं बर्गर की पैटीज को। चलिए इसे अच्छा सा गोल्डन होने देंगे। अच्छे से गोल्डन होंगे तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए हमारे कितने अच्छे से कबाब रेडी हो रहे हैं, ये देखें ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस मैं इनको निकालूंगी और डन करेंगे हम। व्यूअर्स हमारे बर्गर के पैटीज बनके रेडी हो गए। देखें मैंने आपको इसकी थिकनेस दिखाई और ये देखें कितने अच्छे बनके रेडी हुए। तो चलिए हम इसके लिए एक रेडी कर लेते हैं फटाफट से सॉस। सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी हेलोपिनोज है मेरे पास। आपके पास हो तो बिल्कुल आप यूज़ कर लें, आपके पास नहीं है तो ना यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। मैं इनसे एक बड़ी अच्छी सी टेस्टी सी सॉस बनाऊंगी। देखिए इनको हम बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप कर लेंगे। छोटा सा चॉप भी लेंगे और इस बॉल में ले लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे मेयोनीज, क्योंकि हम बड़ी अच्छी सी डिप रेडी करेंगे बर्गर्स के लिए। चलिए हम इसमें शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस। चलिए इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा लेमन हाफ जो मैंने इसमें यूज़ किया है, इसमें यह 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे और मेरे पास यहाँ पर गार्लिक पाउडर है, बहुत कम सा हम यहाँ पर गार्लिक पाउडर यूज़ करेंगे। चलिए इसको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत क्वार्टर सा सॉल्ट यूज करेंगे, बहुत कम सा। इसको रेडी करेंगे और ये बर्गर के लिए बहुत अच्छी सी सॉस रेडी हो जाएगी हमारी। ये देखें ये हमारी मजेदार सी सॉस हो गई रेडी। चलिए मैं ज़रा यहाँ से चीज़ें क्लीन करती हूँ और फिर हम अपने बर्गर को रेडी कर लेते हैं। सॉस रेडी है। चलिए बस देखिए अब हम रेडी कर लेते हैं अपने बर्गर। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे जो हमने सॉस रेडी की है, अच्छी सी सॉस लगाएंगे। चारों बर्गर्स पे लगा लेते हैं। चलिए इनमें हम लगा लेते हैं हम अनियन रिंग्स। चलिए रखेंगे पैटी।
मैंने लेटर्स अब लगाए हैं, अगर आप चाहें तो आप बेस इसके टिप से पहले लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारे बन के रेडी हो गए बर्गर्स। मैं आपको इनको डिश में दिखाती हूँ। व्यूअर्स तो देखें यहाँ पे हमारे पैटी बर्गर रेडी हो गए, बहुत मज़े के बने हैं। और यकीनन उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।